हर महीना 2 सेमिनार हो जाएंगे उसके, एजेंट का क्या रोल होता है और एजेंट कौन सी नॉलेज की आवश्यकता है, इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और इंश्योरेंस का कंसेप्ट आपने पता कर लिया, इंश्योरेंस क्या है और आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है और इंश्योरेंस को सेल कैसे करना है, वो सब सारी आपको एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद में फिर आगे के स्टेप, इंश्योरेंस का आपने जान लिया कि एक्चुअली व्हाट इज इंश्योरेंस। नॉर्मली इंश्योरेंस का जन्म तो अपने इंडिया के अंदर हुआ नहीं है, तो इंश्योरेंस बाहर के कंट्री में हुआ है और जनरल इंश्योरेंस के अंदर हुआ है। इंश्योरेंस मतलब क्या है मालूम है, कि आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। मतलब कोई भी नुकसान हो गया तो उसका हम लोग फायदा करवा देंगे, वो इंश्योरेंस। अगर ये इंश्योरेंस को डीपली जानना चाहते हो तो इंश्योरेंस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूँगा। जब तक जितना आपको समझ में आता है, एक बार किया लाइफ में तो बार बार आप कभी भी नहीं भूलोगे। उसके बाद में आता है प्रॉस्पेक्टिंग का चीज़, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना चाहिए, एजेंट को कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना चाहिए, अगर प्रॉस्पेक्टिंग करना है तो कौन से तरीके से करना चाहिए। प्रॉस्पेक्टिंग किया उसके बाद में फिर उसका जो है ना डेटा मिल जाता है, प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद डेटा मिल जाता है, डेटा का एनालिसिस करना है, कैसा करना है, किसी के पास हम जाए डेटा को मॉनिटर करके, फिर कौन से पार्टी के पास जल्दी जाना है, कौन से पार्टी के पास जल्दी नहीं जाना चाहिए और जल्दी कैसा जहाँ से कहाँ से बिजनेस मिले, इसी के ऊपर स्टडी हम लोग करेंगे। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद का ये बात हो गया, प्रॉस्पेक्टिंग तो वहाँ से शुरुआत होगी। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद में हम लोग ना उस वहाँ से ना कुछ अपना लोगों को चुन लेंगे, चुन चुन के मतलब जिनके पास मनी अथॉरिटी नीड है वो ऐसे करके चुन लेंगे और चुन करके उसके ऊपर ना उसको कैसे एजुकेट किया जाए, उसी कैसे उसको एजुकेट किया जाएगा। मतलब एजुकेट करने के बाद जब तक वो पॉलिसी नहीं लेता है तब तक उसको फॉलोअप कैसे रखना है, इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। और फिर एलआईसी पॉलिसी लेते समय, बड़ा पॉलिसी लेते समय बहुत सारे ना ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, बहुत सारे आपको ना बोलते हैं ना उसके ऊपर हरकतें आती है, और ये हरकतें आती है ना वो हरकतें क्यों आती है उसी का अभ्यास करेंगे। और ये सब नॉलेज वाली बात है दोस्तों, तो इसी के लिए आपको अपने दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, तो मैं अपना जो है ना एकदम आपको इंश्योरेंस का आपको टाइगर कैसा बनाने का वो मेरे पास आइडिया है। और फिर ये मैंने कोर्स के तौर पे मैं लॉन्च किया है, मगर यहाँ पे ना पर्सनली यहाँ पे टच होना जरूर है। अगर पर्सनली आप मेरे से मेंटोरिंग लेते हो तो मेरे से अपना नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिए, और फिर आपके हिसाब से आपके मुताबिक, जैसे टेलर अपना कपड़ा सिलाता है तो अपना मेजरमेंट लेकर के सिलाता है, डायरेक्टली मार्केट में जाकर के खोजना पड़ता है कि अपने को कौन सा शर्ट अपने को सूटेबल होगा, 40 का लगेगा, 42 लगेगा कि 44 लगेगा, तो ये सब सारा चीज़ हो गया इन्वेंशन की, उसके अंदर टाइम हो जाता है। तो मैं आपके हर एक के लिए टेलर मेड प्रोग्राम बनाऊंगा। जो भी एजेंट मेरे से कांटेक्ट करना चाहती है, वो कोई भी एजेंट मेरे से कुछ मेंटोरिंग लेना चाहते हैं, मतलब उनको लाइफ में और कुछ करना है, लाइफ में उनको MDRT पूरा नहीं हुआ, इतने सालों से एजेंसी नहीं हो रहा है, इतने सालों से कुछ काम नहीं हो रहा है, मगर अपने को करने के लिए कोई सिखा नहीं रहा है और सिखाने के लिए बहुत पैसे लोग ले रहे हैं, तो मोर नॉमिनल फीस में आप लेकर के आपको मैं साल भर के लिए मैं टीचिंग करूँगा, ऑनलाइन टीचिंग होगी, और उस हिसाब से मैं आपको ना उसका जो बोलते हैं ना होमवर्क दूंगा, होमवर्क आपको करके आना है, और होमवर्क हो गया आपका तो आपको एक मास्टरमाइंड के मीटिंग में आना है, और आपको हर हफ्ते की रिपोर्टिंग करनी है। वैसे तो रिपोर्टिंग हर दिन ही मुझे चाहिए, मगर हर दिन आप रिपोर्टिंग करते हो तो कभी कभी झूठा रिपोर्टिंग करें, करना है इसलिए करें, ऐसा नहीं,
तो फिर आप दिल और दिमाग से, और मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ज़रूरत है ना हर एक को, ना हर एक को बैकग्राउंड का जानना जरूरी है। अगर हर एक का बैकग्राउंड हमने जान लिया दोस्तों, तो फिर मैंने हर एक का बैकग्राउंड जान लिया तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, पहले आपका काम होते शुरुआत होगा, काम होगा। वो काम जो होगा ना वो बेहतरीन काम होगा, और फिर आपका फाइनेंशियल ईयर कभी लॉस नहीं होगा, आपने अपने सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, कुछ सीखना चाहते हो तो कुछ ट्यूशन फीस देने के लिए भी तैयार हो जाओ, मेरे से बात करिए। मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं अपनाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को तैयार करना है, और एक बार ही तैयार करना है, और एक बार तैयार करने के बार बार वो MDRT करे, बार बार वो COT करे, बार बार TOT करे, मगर जितना उसका एम है तो उसके लिए उसको स्ट्रैटेजी अलग है, वो स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा। और मैं जो बोलता हूँ वो काम वो करेंगे दोस्तों, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका MDRT, TOT, COT या क्लब मेंबरशिप है, गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप है, या अपना कौन सा भी टारगेट है, वो आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ना पहला आप काम कर लेना, ये सब सारा चीज़ मैंने आपको बताया। तो ये जो वीडियो आपको जो है ना आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों को भेज देना। दूसरा चीज़ क्या है, वीडियो के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें लगी तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल को देना। और मेरा जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लान प्रेजेंटेशन, जो जैसे वो प्लान प्रेजेंटेशन दे आपने दिखाया तो लोग आपसे वो खरीदेंगे, मतलब जो वो खरीदेंगे और आपको पैसे भी उसके अंदर आ जाएंगे। वो प्लान प्रेजेंटेशन आपको तुरंत आपको WhatsApp में मिल जाएंगे, ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया और फिर मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दिया सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको तुरंत, मतलब मैं जब भी फ़ोन हाथ में लूँ तब मुझे टाइम मिलता है, तभी आपको मैं 5 प्रेजेंटेशन ऐसे बताऊंगा, तो उसी के अंदर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।